हेलो एवरीवन, आप सबका कमेंट आ रहा था कि हम लोग का पूरा डेली का लाइफ स्टाइल कैसा है, हम लोग कैसे रेस्क्यू करते हैं, कैसे इतने सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं, सेंटर में जाके कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलाते हैं, क्या क्या काम रहता है सेल्टर में, कितना टाइम लगता है और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम लोग आपको पूरे अपने दिन की लाइफ स्टाइल दिखाएंगे। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर गज्जू भैया है। गज्जू भैया जा रहे हैं सेल्टर अभी, है ना, और मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह रेस्क्यू के लिए। तो देखते हैं आगे क्या हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेल्टर, हम देखते हैं गज्जू भैया पहुंच गए होंगे। वंश भी हम लोग के साथ है और वंश भी टीम मेंबर है, हम लोग के लिए वर्क करता है, जानवर के लिए वर्क करता है, हम लोग के साथ भी इधर। तो चलिए देखते हैं सेल्टर में क्या। सेल्टर आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं सेल्टर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे कैसे वर्क होता है। सफाई का आप लोग देख रहे हैं, इलाज का आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए खाना का आपको दिखाता हूँ, खाना कैसे बनाता है, कौन बनाता है। तो आइए आपको मिलाता हूँ गज्जू भैया से और बात करते हैं कि खाना कैसे बनता है, कितना बनता है और क्या क्या कमियाँ आती है। तो आइए। तो गज्जू भैया क्या क्या डलता है खाने में। खाने में ऑब्वियसली हम लोग अभी सोयाबीन बड़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि डॉग बहुत सारे हैं, 95+ डॉग हैं यहाँ पे। और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 9:30 बजे के टाइम पे हम इन्हें पेडिग्री दही खिलाते हैं, उसके बाद 12 बजे समथिंग के आसपास इनका खाने का टाइम हो जाता है और हम इन्हें सोयाबीन बड़ी और जैसे चावल हो गया। कितना चावल लग जाता है? मिनिमम चावल इसमें लग जाता है आपका 15 से 20 किलो का चावल का खर्च है इनका पर डे का, और जिसमें सुबह मॉर्निंग का नाश्ता करना छोड़ दीजिए आप क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप सबको यही खाना खिलाते हैं कि बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए अलग है ये, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहिए और उनको जानना भी है कि क्या कैसे मैनेज होता है चीज़। जैसे पपी हैं तो पपी के लिए हम लोग सेरेलैक्स है वो अपन दूध में चम्मच अपन करके खिलाते हैं उनको, और ज़्यादा अभी हार्ड खाना नहीं देते क्योंकि अभी हाथ खोल रहे हैं बच्चे। हमारे पास कम से कम 10 से 12 पैरालाइज डॉग हैं, अंदर भी हैं और ये तो अभी आए हैं तो इन्हें यहीं पर फिट कर रहे हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए अलग अलग रखना। तो ये है पूरा सेल्टर का व्यू, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग निकलेंगे रेस्क्यू में, रेस्क्यू इमरजेंसी टाइप का नहीं है तो थोड़े देर में निकलेंगे अब। तो चलते हैं और देखते हैं क्या कैसे होता है। तो अभी एक रेस्क्यू भी आया है तो हम लोग शेल्टर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं देखते हैं क्या हुआ है बच्चे को। उनका फोन आया था, उन्होंने बताया कि खाना नहीं खा रहा है और कमजोर हो गया है बहुत। तो चलते हैं देखते हैं क्या है, कैसा है बच्चा, अगर लाने लायक होगा तो लाएंगे और अगर लगेगा कि वही दवाई लगा सकते हैं और वहीं पर रिकवर कर जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे। तो चलिए बच्चा। तो अभी जैसे देखे हम लोग उसका इलाज कर चुके हैं और वहाँ आसपास के लोग उसको ट्रीट करते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या है उसका रिजल्ट। अभी तो उसको दवाइयाँ लग गई है, शाम तक वो नंबर दे दिया गया है, बताएंगे वो क्या स्थिति है। अगर शाम तक फिर वो खाना नहीं खाता है और वैसे कमज़ोर रहता है तो उसको सेल्टर लेके आ जाएंगे। तो अब जा रहे हैं हम लोग घर, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा, नहाने के बाद फिर सेल्टर जाएंगे, खाना देंगे और फिर और भी रेस्क्यू है उसको भी करेंगे। तो चलिए आप भी साथ में। आज का आप लोग देख लीजिए हम लोग क्या वर्क करते हैं, कैसे करते हैं। और अभी चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं विश्रामपुर
रेस्क्यू है, तीन डॉग हैं, तीनों पैरालाइज्ड हैं, नहीं पता कैसे, अब चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसे है, और जैसा भी होगा आगे अपडेट हम लोग आपको जरूर करेंगे। मैं जयंत भैया और गजेंद्र भैया तीनों जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा है क्या है हाल, आगे का अपडेट विश्राम तक पहुँच के करते हैं। तो अभी जैसा बताया रेस्क्यू के लिए आए हैं, तो विश्रामपुर में एक और ये डॉग मिला है, पीछे का पोर्शन वीक हो गया है, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले तो अंबिकापुर ले चलते हैं। तो अभी हम लोग अंबिकापुर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग डॉग लाए हैं, है ना, जिनकी हालत ख़राब है, तीन डॉग लाए हैं हम लोग। और अब जा रहे हैं हम लोग मेन पार्ट, जो कि यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी एक डॉग है जिसका कमर टूट गया है, तो बने रहिए और चलते हैं अब मेन पार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग विश्रामपुर से आए हैं डॉग लेके, और अब मेन पार्ट के लिए कॉल है, तो मेन पार्ट जा रहे हैं। हम लोग के साथ हैं आशीष भैया और गज्जू भैया, तो अब चलते हैं मेन पार्ट और देखते हैं क्या हुआ है डॉग को। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन पार्ट और देखते हैं क्या है, बच्चे का बैक पोर्शन टूट गया है और अभी इसको ले लिया हम लोग और जा रहे हैं अब साथ ही शेल्टर, और देवाशीष भी अभी हम लोग के साथ है। तो अब हम लोग आ गए हैं शेल्टर, और अब शेल्टर में गज्जू भी जा रहे हैं, अब लेट हो गया आज काफी, तो खाना बनाएंगे गज्जू भी और सबको फीड करेंगे, और इसका बैक पोर्शन काम नहीं कर रहा है, तो अब कल देखते हैं इसका इलाज करवाने कल ले जाएंगे। और थैंक यू बहुत देवाशीष भैया को हम लोग के साथ आने के लिए और हेल्प करने के लिए। तो अब चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।